लास्ट लेक्चर में हमने प्रूफ स्टार्ट किया था फंडामेंटल थ्योरम ऑफ स्पेस कर्व का। थ्योरम ये कहता है कि अगर आपके पास दो स्मूथ फंक्शंस हों इंटरवल आई से आर पे, एक कैपा और एक टॉर्शन, दोनों स्मूथ फंक्शंस हों, इसमें वेरिएबल हमने एस कंसीडर किया था, तो आप मालूम कर सकते हैं एक कर्व गैमा आई से आर क्यू, गैमा यूनिट स्पीड कर्व हो, और इस यूनिट स्पीड कर्व का जब हम कर्वेचर मालूम करें तो कितना आए, वही ये कैपा, और जब हम टॉर्शन मालूम करें इस यूनिट स्पीड कर्व का तो वो टा। ये कर्व हमने लास्ट टाइम मालूम कर ली थी। कैसे मालूम की थी डिटेल आप जानते हैं, अगर देखना चाहते हैं कि कैसे मालूम की थी तो आप हमारा प्रीवियस लेक्चर देखें। इस थ्योरम का दूसरा हिस्सा ये था कि अगर गैमा और गैमा टिल्डा दो ऐसी स्मूथ कर्व्स हैं, गैमा और गैमा टिल्डा अगर दो यूनिट स्पीड कर्व्स हैं कि दोनों का कर्वेचर और टॉर्शन के और टा ही है, तो फिर ऐसी दोनों कर्व्स जो हैं आपस में कांगुरेंट होंगी। क्या होंगी? कांगुरेंट होंगी। कांगुरेंट होने का मतलब है एक m मिलेगी r क्यूब से, r क्यूब पे ये m आइसोमेट्री होगी। आइसोमेट्री का मतलब है पॉइंट्स और उनकी इमेजेस का डिस्टेंस सेम रहेगा, और जब हम किसी एक कर्व पे इस आइसोमेट्री को ऑपरेट करेंगे तो दूसरी कर्व के इक्वल आ जाएगा। यहाँ हमने प्रूव करना है इस वक्त कि अगर हम गैमा पे एम को ऑपरेट करेंगे तो गैमा टिल्डा जो है वो कर्व बन जाएगी। थ्योरम की स्टेटमेंट आपके पास मौजूद है, आप प्रीवियस लेक्चर से देख सकते हैं। हम प्रूव करेंगे गैमा और गैमा टिल्डा दो स्मूथ कर्व्स लेंगे और एक आइसोमेट्री एम ढूंढेंगे कि एम ऑफ गैमा गैमा टिल्डा के इक्वल आ जाए। गैमा और गैमा टिल्डा यूनिट स्पीड कर्व्स हैं, डोमेन दोनों की आई है। हमने प्रूव ये करना है कि एक आइसोमेट्री एग्जिस्ट करेगी एम आर क्यूब से आर क्यूब पे के गैमा टिल्डा एस जो है वो एम ऑफ गैमा ऑफ एस के इक्वल हो। ऐसी आइसोमेट्री एम हमने ढूंढनी है। ये आइसोमेट्री ढूंढने के लिए पहले एक फिक्स पॉइंट ले लेते हैं एस नॉट डोमेन में से, एस नॉट हमने डोमेन में से फिक्स पॉइंट ले लिया और अज्यूम कर लेते हैं कि जो गैमा टिल्डा एस नॉट है वो ओरिजिन है। विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी अज्यूम कर लेते हैं कि गैमा टिल्डा एस नॉट जो है, जो कर्व गैमा टिल्डा है जब एस नॉट पे ऑपरेट होती है तो वो पॉइंट कर्व का कहाँ पर है, ओरिजिन है। हमने विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी अज्यूम कर लिया। मैंने ढूंढनी है आइसोमेट्री। क्या करूँगा मैं? तीन आइसोमेट्रीज को कंपोज करके एक आइसोमेट्री एम ढूंढूंगा। उनमें से एक आइसोमेट्री मैं लूँगा ट्रांसलेशन और दो आइसोमेट्रीज मैं लूँगा रोटेशन। याद करवा दूँ ट्रांसलेशन क्या होती है। ट्रांसलेशन जो है अगर मैं इसको टी ए लिखूँ आर क्यूब से आर क्यूब के ऊपर, जब भी ये आर क्यूब के किसी एक वेक्टर वी पे ऑपरेट होती है तो आंसर वी प्लस ए आ जाता है, यानी ये हर वेक्टर को ए वेक्टर की डायरेक्शन में शिफ्ट कर देती है। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास ये एक्स वाई और जी कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये मेरे पास एक वेक्टर ए है और मैं ट्रांसलेशन ऑपरेट करता हूँ,
तो ये क्या करेगी, हर पॉइंट को एक ही डायरेक्शन में मूव करवा देगी। फर्ज करें मेरे पास ये कोई ऑब्जेक्ट है, तो ये क्या करेगी, इस पॉइंट को ए वेक्टर जितना आगे मूव करवा देगी, इस पॉइंट को भी ए वेक्टर जितना आगे मूव करवा देगी। हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। टी ए जब वी पे ऑपरेट होगी तो वी प्लस ए आ जाएगा। ये ट्रांसलेशन है, हमने पहले भी स्टडी की थी, पहले प्लेन में की थी, अब स्पेस की बात है। उसी तरह से ए वेक्टर की डायरेक्शन में मूव कर जाएगा हर पॉइंट, ये वाला पॉइंट ए वेक्टर आगे हो जाएगा, ये वाला पॉइंट ए वेक्टर आगे हो जाएगा हर पॉइंट, यानी इस तरह से ऑब्जेक्ट जो है वो ट्रांसलेट कर जाएगा एक जगह से दूसरी जगह। दूसरी चीज़ जो मुझे यूज़ करनी है वो है रोटेशन। रोटेशन हमने पहले भी की थी, हमने कहा था अगर ये एक्स वाई एक्सिस है, अगर आप इसको थीटा एंगल पे रोटेट कर देते हैं, इसका नाम अगर फर्ज करें हम रो थीटा रखते हैं, तो रो थीटा आर टू को आर टू पे मैप करवाती है और हर पॉइंट को एंगल थीटा पे रोटेट करवा देती है। एंगल थीटा पे रोटेट करवाने का मतलब ये था कि अगर फ़र्ज करें मुझे इस पॉइंट की इमेज चाहिए कि रोटेशन के बाद क्या होगी, इस पॉइंट को ओरिजिन से मिलाऊं, इस लाइन को थीटा एंगल पे रोटेट करवा दूं, से ये आ गया, ये जो पी प्राइम है थीटा एंगल पे रोटेट होने के बाद ये इस पी की इमेज है, ये रोटेशन थी। अब हमें रोटेशन देखनी है आर क्यूब के अंदर। आर क्यूब के अंदर हम जब रोटेशन देखेंगे तो किसी ना किसी लाइन के अबाउट देखेंगे। प्लेन में हमने रोटेशन देखी थी अबाउट ओरिजिन, और रोटेशन का मतलब मैंने आपको याद करवा दिया क्या था। स्पेस में जब रोटेशन देखेंगे तो अबाउट लाइन देखेंगे। अगर मैं कहता हूं हमने रोटेशन लेनी है अबाउट जी एक्सिस थ्रू एन एंगल थीटा, तो क्या होगा, जी एक्सिस हमारा फिक्स रहेगा, बाकी सारे पॉइंट्स जो है वो थीटा एंगल पे रोटेट कर जाएंगे। फर्ज करें ये मेरे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जी एक्सिस, अगर मैं जी एक्सिस के लॉन्ग थीटा रोटेशन लेता हूँ तो जी एक्सिस एज इट इज रहेगा, बाकी सारा कुछ रोटेट कर जाएगा, कितने एंगल पे, थीटा एंगल पे रोटेट कर जाएगा। हो सकता है ये एक्सिस ऐसे आ जाए एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस इसी तरह से थीटा एंगल पे रोटेट कर जाएगा, से ये एक्स प्राइम हो गया, ये वाई प्राइम हो गया, अलबत्ता जी एक्सिस हमारा सेम रहेगा, बाकी सारे ऑब्जेक्ट्स जो है वो रोटेट कर जाएंगे। ऐसे ही समझ लें जैसे फर्ज करें ये ग्लोब है, ये जी एक्सिस है, ग्लोब को यूं घुमा दें तो ये रोटेशन अबाउट जी एक्सिस हो जाएगी। आप इस रोटेशन का मैट्रिक्स निकालना चाहें निकाल सकते हैं, यहां जरूरत नहीं है। इस तरह से आप चाहें तो रोटेशन अबाउट एक्स एक्सिस मालूम कर सकते हैं कि एक्स एक्सिस फिक्स रहेगा, बाकी सारे ऑब्जेक्ट्स बाकी सारा कुछ मूव कर जाएगा एक्स एक्सिस के अबाउट से एंगल थीटा से। इस तरह वाई एक्सिस के अबाउट भी कर सकते हैं, बल्कि अबाउट एनी लाइन कर सकते हैं। हम ले सकते हैं रोटेशन अबाउट एनी लाइन थ्रू ओरिजिन। ओरिजिन के अलावा कहीं और भी लेना चाहें तो ले सकते हैं, लेकिन आसान नहीं रहती है कैलकुलेशंस करने में अगर रोटेशन ऐसी लाइन के अबाउट ली जाए जो कहां से पास कर रही हो, ओरिजिन में से पास कर रही हो, और फर्ज करें हम थ्रू एन एंगल थीटा ले लेते हैं, तो किसी भी लाइन के अबाउट रोटेशन ली जा सकती है। जिस लाइन के अबाउट रोटेशन लेंगे वो लाइन हमारी फिक्स रहेगी, उसके साथ 90 का एंगल बनाते हुए सारे पॉइंट्स एंगल थीटा पे मूव कर जाएंगे। जैसे यहाँ पे जी एक्सिस फिक्स है, एक्स और वाई प्लेन के पैरेलल जितने भी पॉइंट्स हैं वो थीटा एंगल पे रोटेट कर जाएंगे, एक्स वाई प्लेन वाले भी और एक्स वाई प्लेन के पैरेलल सारे पॉइंट्स क्या करेंगे, थीटा एंगल पे रोटेट कर जाएंगे। ऐसे ही है जैसे मैरी गो राउंड हो, जैसे जो है आपका
वो झूला होता है जिसके ऊपर लाहौर कराची लिखा हुआ होता है, सेंटर वाला एक्सिस जो है, जो वर्टिकल एक्सिस है वो फिक्स रहता है, बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो मैरी गो राउंड में मूव करती रहती हैं। तो यहाँ पर भी अगर मैं जी एक्सिस के अबाउट रोटेशन लूँगा तो जी एक्सिस के साथ 90 का एंगल बनाते हुए प्लेन में जितने भी पॉइंट्स हैं वो थीटा एंगल पे मूव कर जाएंगे, वो एक्स वाई प्लेन वाले भी, इसके पैरेलल प्लेन्स वाले भी, लेकिन जी एक्सिस वाले पॉइंट्स वो मूव नहीं करेंगे। तो रोटेशन हमने सीखी है, रिवाइज की है, अब हम देखते हैं कि हमने अपनी कर्व के ऊपर किस तरह से ये रोटेशन ऑपरेट करनी है और ट्रांसलेशन के हमारी कर्व जो गैमा है वो गैमा टिल्डा एस में चेंज हो जाए। हमें याद रहे हमने अज्यूम कर लिया है कि एस नाट एक फिक्स पॉइंट है और गैमा टिल्डा एस नाट को हमने ओरिजिन अज्यूम कर लिया है। अज्यूम कर लेते हैं कि ये हमारी कर्व गैमा टिल्डा है, गैमा टिल्डा एस नाट जो है वो ओरिजिन है, यही हमारा एक्स वाई और जी एक्सिस है, से ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जी एक्सिस है, यही फर्ज कर लेते हैं इसका यूनिट टेंजेंट है, ये इसका यूनिट नॉर्मल और ये इसका यूनिट बाइनॉर्मल। ये हमारी कर्व गैमा है, ये गैमा ऑफ एस नाट है। मैं चाहता ये हूँ कि ये वाली कर्व गैमा आइसोमेट्री के बाद गैमा टिल्डा के साथ कोइंसाइड कर जाए। उसके लिए सबसे पहला काम मैं ये करने लगा हूँ कि मैं इस पॉइंट गैमा ऑफ एस नाट को यहाँ ओरिजिन पर ला रहा हूँ, गैमा टिल्डा एस नाट के बराबर ला रहा हूँ जो कि ओरिजिन है। इसके लिए मैं क्या करूँगा, ये अगर ओरिजिन है, ये मेरा गैमा ऑफ एस नाट है, मैं इस साइड को ट्रांसलेशन कर लूँ, कितनी ट्रांसलेशन कर लूँ, माइनस गैमा एस नाट। अगर मैं माइनस गैमा एस नाट की ट्रांसलेशन कर लूँगा तो मेरा ये वाला पॉइंट ओरिजिन पर आ जाएगा। तो सबसे पहला काम मैं ये करने लगा हूँ, ट्रांसलेशन करने लगा हूँ। पहले ज़रा लिख लेता हूँ लेकिन कि ये जो गैमा टिल्डा है, लेट टी टिल्डा एन टिल्डा बी यूनिट टेंजेंट। ये मैंने सपोज कर लिया, मैंने सपोज कर लिया कि गैमा टिल्डा जो कर्व है उसके यूनिट टेंजेंट नॉर्मल और बाई नॉर्मल टी टिल्डा एन टिल्डा और बी टिल्डा है, और जो कर्व मेरी गैमा है उसके यूनिट टेंजेंट नॉर्मल और बाई नॉर्मल टी एन और बी है। मैंने कहा सबसे पहले मैं क्या करने लगा हूँ, ट्रांसलेशन अप्लाई करने लगा हूँ। टी माइनस गैमा एस नॉट बी द ट्रांसलेशन, देन जब ये टी माइनस गैमा एस नॉट ऑपरेट होगी गैमा एस नॉट के ऊपर तो क्या आंसर आएगा, जब ट्रांसलेशन ए ऑपरेट होती है वी पे तो आंसर आता है ए प्लस वी, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास माइनस गैमा एस नॉट प्लस गैमा एस नाट, जो कि किसके इक्वल आ गया, ओरिजिन के, जो कि बेसिकली हमारे गैमा टिल्डा एस नाट है। हमने अज्यूम कर लिया है कि गैमा टिल्डा का जो एस नाट पे आंसर है वो ओरिजिन पे है, ये विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी हम अज्यूम कर सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं है, जहाँ पर भी बन रहा है हम अपने एक्स वाई और जी एक्सिस वहाँ पर बना के उसको ओरिजिन कंसिडर कर सकते हैं। तो पहला काम हमने कर लिया, क्या कर लिया कि ये कब को ट्रांसलेट कर लिया, गैमा ऑफ एस नाट जो है वो गैमा टिल्डा एस नाट के ऊपर ले आए, गैमा टिल्डा एस नाट ओरिजिन था, ओरिजिन पर ले आए। तो हमने ट्रांसलेट कर लिया, गैमा एस नाट गैमा टिल्डा एस नाट के साथ कंसाइड कर गया, ये वाला टेंजेंट यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, एन यूनिट यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, बी यूनिट भी यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। जब यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे तो इनके नए नाम मैं रख लेता हूँ, लेट कर लेता हूँ मैं कि टी माइनस गैमा एस नॉट जो ट्रांसलेशन जब टी यूनिट पर ऑपरेट होगी
तो यहाँ पर आकर जो वेक्टर बनेगा उसको फर्ज करें मैं कह रहा हूँ टी वन यूनिट, और टी माइनस गैमा एस नाट वाली ट्रांसलेशन जब एन यूनिट एट एस नाट पे ऑपरेट होगी, ये सारा कुछ हो रहा है एस नाट पॉइंट पे, ये टी एट एस नाट है, ये एन एट एस नाट है, बी एट एस नाट है, इसी तरह से ये सारे टेंजेंट नॉर्मल बाई नॉर्मल कौन से पॉइंट पर हैं एस नाट के कॉरस्पॉन्डिंग हैं, एन यूनिट एट एस नाट, इसका नाम मैंने फर्ज करें एन वन रख लिया। और इसी तरह से जब टी माइनस गैमा एस नाट वाली ट्रांसलेशन बाई नॉर्मल एट एस नाट वाले पे ऑपरेट होगी, ये शिफ्ट हो जाएगा यहाँ आ जाएगा, इसका नाम हमने बी वन यूनिट एट एस नाट रख लिया। नई पिक्चर हमारे पास क्या बन जाएगी, पूरी पिक्चर नहीं बना रहा, सिर्फ टेंजेंट्स नॉर्मल और बाई नॉर्मल बना रहा हूँ इसी पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंगली जो हमारा ओरिजिन है, ये है हमारे पास टी टिल्डा एट एस नाट। मैं लिख नहीं रहा, लिखने से पिक्चर ज़रा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगती है, लेकिन ये सारा कुछ एस नाट पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग है, टी यूनिट एस एस नाट, एन यूनिट एट एस नाट और बी यूनिट एट एस नाट। टी ट्रांसलेट हो गया, टी वन बन गया, तो इसी डायरेक्शन में रहेगा, बस पोजीशन चेंज हो जाएगी, यहाँ पे आ गया टी वन एट एस नाट, नॉर्मल इसी डायरेक्शन में रहा, ये बन गया एन वन एट एस नाट, और ये हमारे पास बाई नॉर्मल एट एस नाट है। ट्रांसलेशन के बाद ये सारी पिक्चर भी कहाँ पर है, एट एस इज इक्वल टू एस नाट के लिए है। अज्यूम कर लेते हैं कि इन दोनों के दरमियान एंगल थीटा है, किसमें टी वन यूनिट और टी टिल्डा यूनिट एस नाट में एंगल थीटा है। इस एंगल को थीटा अज्यूम कर लिया, हम चाहते क्या हैं, हम चाहते ये हैं कि ये कर्व्स आपस में कोइंसाइड कर जाएं, गैमा गैमा टिल्डा के साथ कोइंसाइड कर जाए। फिलहाल हमने क्या किया है कि दोनों का एक पॉइंट कोइंसाइड कर दिया है, ये वाली कर्व उठाकर यहाँ ले आए हैं, लेकिन ये कर्व अभी इस शेप में है, हम चाहते हैं कि इसको रोटेट करके इसके इक्वल लाया जाए, इसके साथ कोइंसाइड करवा दिया जाए, इस कर्व को रोटेट करके इसके साथ कोइंसाइड करवा दिया जाए, ये कर्व यहाँ शिफ्ट हो गई है, ट्रांसलेट हो गई है, रोटेट करवानी है। उसके लिए हम कैसे रोटेशन करवाने लगे हैं, हम चाह ये रहे हैं कि इनके टेंजेंट नॉर्मल और बाई नॉर्मल कोइंसाइड कर जाएंगे तो कर्व भी कोइंसाइड कर जाएगी। टेंजेंट को कोइंसाइड करवाते हैं सबसे पहले, रोटेशन लेने लगे हैं थ्रू एन एंगल थीटा के टी वन यूनिट टी टिल्डा के साथ कोइंसाइड कर जाए। जब भी रोटेशन लेते हैं तो एक लाइन के लॉन्ग लेते हैं, हम ऐसे रोटेशन लेना चाहते हैं कि T1 यूनिट T टिल्डा के साथ कोइंसाइड कर जाए। उसके लिए हम एक प्लेन लें जिसमें T1 यूनिट और T टिल्डा लाई कर रहे हों, और उस प्लेन के साथ 90 का एंगल बनाती हुई एक लाइन लें, फर्ज करें उस लाइन को मैंने L कह लिया। ये जो T1 यूनिट S0 है और T tilde at S0 है, इनके दरमियान एंगल मैंने थीटा ले लिया, एक लाइन ले ली जो ओरिजिन में से पास कर रही है, गो के ये हमारा गैमा tilde S0 है और यही अब हमारा गैमा S0 भी है, दोनों कोइंसाइड कर गए हैं पॉइंट्स कर्व के, ये हमारा ओरिजिन भी है। यहाँ से एक लाइन ले ली जो इस ओरिजिन में से पास कर रही है और इस प्लेन के साथ 90 का एंगल बना रही है, अगर हम इस लाइन के अबाउट रोटेशन करवाएं तो हमारा T1 रोटेट होकर T टिल्डा पे कोइंसाइड कर जाएगा। जब भी हम R क्यूब की रोटेशन करवाते हैं तो R क्यूब की रोटेशन से उसके अंदर मौजूद सारे ऑब्जेक्ट्स रोटेट कर जाते हैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ हमारा T1 यूनिट रोटेट करके T टिल्डा से कोइंसाइड कर जाएगा, T यूनिट को रोटेट नहीं करवा रहा।
बेसिकली मैं यहाँ दो आर क्यूब ज्यूम कर रहा हूँ, एक आर क्यूब ज्यूम कर रहा हूँ जो टी वन यूनिट, एन वन यूनिट और बी वन यूनिट से जनरेट हो रहा है, और एक आर क्यूब ज्यूम कर रहा हूँ जो टी टिल्डा, एन टिल्डा और बी टिल्डा एट एस नॉट से जनरेट हो रहा है। दोनों आर क्यूब सेम ही हैं, लेकिन मैं रोटेट करवाना चाहता हूँ सिर्फ कौन से ऑब्जेक्ट को, गैमा एस नॉट को, इस नई गैमा एस नॉट को रोटेट करवाना चाहता हूँ, जो गैमा एस नॉट बनी है किससे, माइनस गैमा एस नॉट की ट्रांसलेशन से, जो हमारे पास गैमा टिल्डा एस नॉट के बराबर आ गया है। सिर्फ इस वाली कर्व को रोटेट करवाना चाहता हूँ, यानी टी टिल्डा, एन टिल्डा और बी टिल्डा को रोटेट नहीं करवाना चाह रहा, टी टिल्डा, एन टिल्डा और बी टिल्डा को रोटेट नहीं करवाना चाह रहा, सिर्फ किन ऑब्जेक्ट को रोटेट करवाना चाह रहा हूँ, इस कर्व को जो गैमा एस नॉट है ट्रांसलेशन के बाद, यानी टी गैमा एस नॉट बनी है, इसको कर्व को रोटेट करवाना चाह रहा हूँ। तो मैं रोटेशन करवा रहा हूँ आर क्यूब की, लेकिन आर क्यूब के उन ऑब्जेक्ट्स की जो आर क्यूब में लाई कर रहे हैं, जो जनरेट हो रहा है किससे, टी वन यूनिट, एन वन यूनिट और बी वन यूनिट एट एस नॉट से। लेट उस रोटेशन का नाम मैंने रख लिया रो थीटा, बी द रोटेशन ऑफ आर क्यूब, लेकिन आर क्यूब कौन सा, वो आर क्यूब जो जनरेट हो रहा है टी वन यूनिट एट एस नॉट, एन वन यूनिट एट एस नॉट और बी वन यूनिट एट एस नॉट से। थ्रू एन एंगल थीटा अबाउट लाइन एल, जब भी रोटेशन करवानी है तो दो चीज़ें बतानी है, किस लाइन के अबाउट रोटेशन हुई है और कितने एंगल पर रोटेशन हुई है। हमने किस लाइन पर रोटेशन करवाई है, उस लाइन पर रोटेशन करवाई है जो ओरिजिन में से पास कर रहा है और जो उस प्लेन के साथ 90 का एंगल बना रही है जो टी वन यूनिट और टी टिल्डा यूनिट को कंटेन कर रहा है। जब थीटा एंगल की रोटेशन करवाएंगे तो टी वन यूनिट टी टिल्डा के साथ कोइंसाइड कर जाएगा। जब इस रोटेशन को करवाएंगे, हम इसको ऐसे रोटेट करवाएंगे तो एन वन यूनिट और बी वन यूनिट भी रोटेट कर जाएंगे, लेकिन टी टिल्डा, एन टिल्डा, बी टिल्डा रोटेट नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ उन ऑब्जेक्ट्स को रोटेट करवा रहे हैं जो उस आर क्यूब में हैं, जो जनरेट हो रहा है किससे, टी वन यूनिट, बी एन वन यूनिट और बी वन यूनिट एट एस नॉट से। गैमा को रोटेट करवाना चाह रहे हैं, गैमा टिल्डा को रोटेट नहीं करवा रहे। तो आफ्टर दिस रोटेशन टी वन यूनिट टी टिल्डा से कोइंसाइड कर जाएगा। जब रोटेशन रो थीटा टी वन यूनिट पे ऑपरेट होगी, कौन से टी वन यूनिट पे, जो एस नॉट पे है, वैसे तो पूरी कर्व रोटेट करेगी, लेकिन हम इस वक्त डिस्कशन कर रहे हैं किस पॉइंट के ऊपर, सिर्फ एस नॉट पॉइंट के ऊपर। टी वन यूनिट एट एस नॉट कोइंसाइड कर जाएगा टी टिल्डा एट एस नॉट से, और इसी तरह से नए वेक्टर्स बन जाएंगे हमारे पास, ये भी रोटेशन हो जाएगी, रो थीटा एन वन यूनिट एट एस नॉट एंड रो थीटा बी वन यूनिट एट एस नॉट, बी इमेजेस ऑफ एन वन यूनिट एट एस नॉट एंड बी वन यूनिट एट एस नॉट आफ्टर रोटेशन। ये रोटेशन के बाद इनकी इमेजेस हैं, मैं पिक्चर बना रहा हूँ एक दफ़ा फिर, याद रहे लिखूँगा नहीं पिक्चर में, बार बार हर जगह एस नॉट लिखने से पिक्चर ज़रा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सी लगती है। ये मेरे पास है टी टिल्डा, यहीं पर मेरे पास आ गया है टी वन यूनिट, लेकिन रो थीटा ऑपरेट करने के बाद कोइंसाइड कर गए हैं। ये मेरे पास है एन टिल्डा और ये मेरे पास है बी टिल्डा। जब इसको रोटेट करवाएंगे
तो T1 यूनिट कोइंसाइड कर गया T टिल्डा से, N1 यूनिट भी रोटेट हो जाएगा, थोड़ी सी इसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी, B1 यूनिट भी रोटेट हो जाएगा, इसकी भी पोजीशन चेंज हो जाएगी। फर्ज करें ये मेरे पास आ गया N1 यूनिट नया रोटेशन के बाद वाला, यानी ये मेरे पास आ गया रो थीटा N1 यूनिट, और ये मेरे पास आ गया रोटेशन के बाद वाला फर्ज करें रो थीटा B1 यूनिट, और ये सारा कुछ एट एस नॉट की बात कर रहे हैं, गैमा टिल्डा एट एस नॉट की बात हो रही है, यानी ओरिजिन पे बात हो रही है। अज्यूम कर लेते हैं कि इनके दरमियान एंगल फाई है। दोबारा याद करवा दूँ, चाहते ही हैं ये दोनों कर्व्स कोइंसाइड कर जाएं। पहले हमने इस पॉइंट को शिफ्ट किया, यहाँ आ गया, ये कर्व ऐसे ही है, ये कर्व थोड़ी तिरछी है, कोइंसाइड करवाने के लिए हमने रोटेट किया किसको, नए T1 यूनिट को। T1 यूनिट रोटेट होने से अभी भी तीनों टेंजेंट नॉर्मल और बायनॉर्मल कोइंसाइड नहीं किए हैं, हो सकता है कर भी जाएं एक ही रोटेशन से, लेकिन नॉर्मली नहीं करते हैं। अगर आप ज़्यादा डिटेल के साथ इस रोटेशन को देखना चाहते हैं तो फर्ज करें मेरे पास ये T टिल्डा, N टिल्डा और B टिल्डा हैं, और फर्ज करें मेरे पास ये हैं T1 यूनिट, N1 यूनिट और B1 यूनिट। ये प्लेन लिया जिसमें कौन कौन है, T1 यूनिट और T टिल्डा। एक ऐसी लाइन लेंगे जो इस प्लेन के साथ 90 का एंगल बनाए, हो सकता है वो ये लाइन हो, इस लाइन के अबाउट थीटा एंगल पे रोटेशन करवाई, थीटा एंगल से रोटेशन करवाने के बाद ये हमारे पास कोइंसाइड कर गए, कौन, ये कोइंसाइड कर गए टी यूनिट और टी टिल्डा। लेकिन ये जो नया रोटेशन के बाद मेरे पास N1 यूनिट आया है, रोटेशन के बाद वाला, यानी कौन सा वाला, रो थीटा N1, और ये जो मेरे पास नया बायनॉर्मल आया है ये अभी पहले वाले N टिल्डा और B टिल्डा से कोइंसाइड नहीं किए हैं। ये जो मेरे पास नया आया है रो थीटा N1 और ये मेरा N टिल्डा है, इनके दरमियान एंगल फाई है। अब अगर मैं इसको फाई एंगल पे रोटेट करवा दूं तो ये फाइनली तीनों क्या कर जाएंगे, ये तीनों कोइंसाइड कर जाएंगे। तो अब ये वाली रोटेशन हम करने लगे हैं। इस एंगल को हमने फाई ज्यूम कर लिया, लेट फाई बी द एंगल बिटवीन रो थीटा N1 यूनिट एट एस नॉट एंड N टिल्डा एट एस नॉट। इस एंगल को हमने फाई कर लिया। रोटेशन करवानी है ऐसे, रोटेशन करवाने के लिए आपको एक लाइन लेनी है, वो लाइन लेनी है यहाँ पर ऐसी जो ओरिजिन में से पास करे और उस प्लेन के साथ 90 का एंगल बनाए जिस प्लेन में रो थीटा N1 यूनिट और N टिल्डा मौजूद हैं। उस लाइन का नाम L रख लेता हूँ, लेट L बी द लाइन थ्रू ओरिजिन कंटेनिंग किस किस को, रो थीटा N1 यूनिट एट एस नॉट और N टिल्डा एट एस नॉट। यहाँ पे L ले ली और रोटेट करवाने लगे हैं R क्यूब को। R क्यूब में हर ऑब्जेक्ट रोटेट होगा, लेकिन याद रहे हम ओरिजिनल कर्व गैमा टिल्डा को नहीं रोटेट करवा रहे। कौन सी कर्व को रोटेट करवाना चाहते हैं, गैमा को, यानी हम रोटेट करवाना चाहते हैं इन नॉर्म वेक्टर्स को, रो थीटा N1 यूनिट, रो थीटा B1 यूनिट को, N टिल्डा B टिल्डा को नहीं रोटेट करवाना। रोटेशन ले रहा हूँ, रो फाई नाम रख रहा हूँ इसका, रो फाई बी रोटेशन ऑफ R क्यूब
आर क्यूब की रोटेशन, लेकिन कौन से आर क्यूब की? उस आर क्यूब की जो जनरेट हो रो थीटा टी वन यूनिट एट एस नॉट रो थीटा एन वन यूनिट एट एस नॉट और रो थीटा बी वन यूनिट एट एस नॉट। इस आर क्यूब की रोटेशन करवा रहा हूँ, तो इसकी रोटेशन करवाने से सिर्फ मेरे कौन से ऑब्जेक्ट्स रोटेट होंगे? जो मेरी गैमा एस है जो पहले ट्रांसलेट होके यहाँ आ चुकी है, यानी जो मेरे पास टी गैमा एस है, टी माइनस गैमा एस नॉट गैमा एस है, ये वाली कर्व रोटेट होगी, ये वाले वेक्टर्स रोटेट होंगे, टी टिल्डा एन टिल्डा बी टिल्डा रोटेट नहीं होंगे। जब हम इसको रोटेट करेंगे ये वेक्टर कोइंसाइड कर जाएगा एन टिल्डा से, और कन्फर्म है कि ये वाला वेक्टर इससे कोइंसाइड कर जाएगा। जब रो फाई ऑपरेट होगी रो थीटा एन वन यूनिट एट एस नॉट पे, तो ये कोइंसाइड कर जाएगा एन टिल्डा एट एस नॉट से, ये कन्फर्म है, ये तो हमने खुद किया है। ये भी कन्फर्म है कि ये वाला वेक्टर भी इसके साथ कोइंसाइड कर जाएगा, यानी रो फाई जब ऑपरेट होगी रो थीटा बी वन यूनिट एट एस नॉट पे, तो ये कोइंसाइड कर जाएगा किसके साथ? बी टिल्डा एट एस नॉट के साथ। इन दोनों रोटेशंस के बाद हमारे सारे वेक्टर्स कोइंसाइड कर जाएंगे। ये वेक्टर जो है ये नहीं चेंज होगा, ये यहीं पर रहेगा, यानी जब रो फाई ऑपरेट होगी रो थीटा टी वन यूनिट पे, तो वो टी टिल्डा के इक्वल ही रहेगा। तो हमने कोइंसाइड करवा दिया है किस किस को? टेंजेंट को, दोनों कर्व्स के, नॉर्मल को और बाई नॉर्मल को। पहले हमने की ट्रांसलेशन, फिर हमने दो रोटेशंस की, टेंजेंट नॉर्मल और बाई नॉर्मल दोनों के कोइंसाइड कर गए, लेकिन ये कोइंसाइड हमने करवाया है कौन से पॉइंट पर? एस नॉट पॉइंट पर। क्या पूरी की पूरी कर्व्स कोइंसाइड कर गई हैं? ये भी देखना बाकी है। हमने करवाए हैं तीन ऑपरेशंस, पहले ट्रांसलेशन जिससे दोनों कर्व्स के एस नॉट वाले पॉइंट कोइंसाइड कर गए, फिर रोटेशन रो थीटा जिससे दोनों के यूनिट वेक्टर्स कोइंसाइड कर गए, और फिर रोटेशन रो फाई के दोनों के टेंजेंट नॉर्मल और बाई नॉर्मल कोइंसाइड कर गए, यानी ये मेरे पास आ गया है क्या? टी टिल्डा, यहाँ पे हमारे पास आ गया है टी यूनिट। पहले टी यूनिट पे अप्लाई की ट्रांसलेशन माइनस गैमा एस नॉट टी यूनिट पे एट एस नॉट वाले पॉइंट पे, फिर उस पर ऑपरेट की रोटेशन रो थीटा, और फिर उस पर ऑपरेट की रोटेशन रो फाई। इसी तरह से ये एन टिल्डा हमारे पास था एन यूनिट, एन यूनिट पे ऑपरेट की ट्रांसलेशन टी माइनस गैमा एस नॉट एन यूनिट एट एस नॉट पे, एन वन वेक्टर बना, उस एन वन पे ऑपरेट की रोटेशन रो थीटा, रो थीटा एन वन, ये वाला वेक्टर बन गया। अब उस पे रोटेशन ऑपरेट की रो फाई, तो ये बराबर आ गया किसके? एन टिल्डा के। इसी तरह से जो हमारा ये बी टिल्डा एट एस नॉट है, हर जगह एस नॉट लिखना मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो रहा, ज़्यादा पिक्चर कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। सबसे पहले जो मेरे पास था बी यूनिट, उस पे ट्रांसलेशन ऑपरेट की और मेरे पास बना बी वन टी माइनस गैमा एस नॉट, ट्रांसलेशन ऑपरेट की
बी यूनिट एट एस नॉट पे, तो मेरे पास बी वन बन गया। इस बी वन पे रोटेशन रो थीटा ऑपरेट की, रो थीटा बी वन बन गया, और इस रो थीटा बी वन पे रोटेशन रो फाई ऑपरेट की और मेरे पास बी टिल्डा बन गया। ये जो तीन ऑपरेशन ऑपरेट किए हैं इनकी कंपोजिशन को मैं एम कह लेता हूँ। लेट मैंने कह लिया एम क्या है, कंपोजिशन किसकी, टी माइनस गैमा एस नॉट कंपोज्ड विद रो थीटा एंड कंपोज्ड विद रो फाई, इसको मैंने एम कह लिया। ट्रांसलेशंस और रोटेशंस आइसोमेट्रीज हैं, इनकी कंपोजिशन भी एक आइसोमेट्री है। आर क्यूब की आइसोमेट्री है, आर क्यूब के ऑब्जेक्ट्स को ट्रांसलेट किया और दो दफ़ा रोटेट किया, नई पोजीशन पे चले गए, लेकिन आइसोमेट्री है, डिस्टेंस पॉइंट्स के दरमियान चेंज नहीं हुआ। और ऐसे रोटेशन हुई है कि टेंजेंट, नॉर्मल और बाई नॉर्मल जो हैं वो कंसाइड कर गए हैं। इस आइसोमेट्री एम के बाद दोनों कर्व्स के टेंजेंट, नॉर्मल और बाई नॉर्मल कंसाइड कर गए हैं। सारे टेंजेंट नॉर्मल और बाई नॉर्मल नहीं, कर्व्स के हर पॉइंट वाले टेंजेंट नॉर्मल और बाई नॉर्मल नहीं, कौन से पॉइंट्स वाले, एस नॉट पॉइंट्स वाले। ये जो एम है हमारे पास, कि जब एम हमने ऑपरेट की किस पे, टी यूनिट एट एस नॉट पे, तो ये टी टिल्डा के बराबर आ गया। जब ये एम ऑपरेट की हमने किस पे, एन यूनिट एट एस नॉट पे, तो ये एन टिल्डा एट एस नॉट आ गया। और जब ये एम हमने ऑपरेट की बाई नॉर्मल एट एस नॉट पे, तो हमारे पास बाई नॉर्मल बी टिल्डा एट एस नॉट आ गया। ये एम ऑपरेट की, टी यूनिट एस नॉट पे टी टिल्डा बन गया, एम ऑपरेट की एन यूनिट एस नॉट पे एन टिल्डा बन गया, एम ऑपरेट की बी यूनिट एस नॉट पे बी टिल्डा एट एस नॉट बन गया। क्या दोनों कर्व्स हर जगह पे कंसाइड हो गई, जो गैमा है और जो गैमा टिल्डा है एस नॉट के ऊपर कंसाइड हो गई हैं? हम कह सकते हैं कि एम गैमा एस नॉट जो है वो गैमा टिल्डा एस नॉट के इक्वल आ गया है। क्या कर्व हर जगह पे कंसाइड हो गई हैं, ये भी कंफर्म नहीं हुआ। कर्व के टेंजेंट, नॉर्मल और बाई नॉर्मल कंसाइड हो गए हैं वो वाले जो पॉइंट एस नॉट पे आ रहे थे, लेकिन क्या हर एस के लिए कंसाइड हो गई है वो अभी कंफर्म नहीं है। उसको कंफर्म करते हैं, फिलहाल अज्यूम कर लेते हैं कि जब एम हम गैमा एस पे ऑपरेट करते हैं तो कोई कर्व कैपिटल गैमा बन जाती है, बनानी गैमा टिल्डा है, गैमा टिल्डा बन भी रही है, लेकिन सिर्फ कहाँ पे, एस नॉट पे, बाकी जगह पे हमें नहीं मालूम बन रही है या नहीं बन रही। हमने अज्यूम कर लिया है कि जब एम जो आइसोमेट्री हमने ली है वो गैमा पे ऑपरेट करते हैं तो कैपिटल गैमा एक कर्व बन रही है, फॉर ऑल एस बिलोंग्स टू डोमेन आई के लिए। और ये भी कंफर्म है, क्या कंफर्म है, कि एस नॉट के ऊपर गैमा टिल्डा ही बन रही है। ये जो नई कर्व मैंने कैपिटल गैमा से डिनोट की है, अब मैं प्रूव ये करूंगा कि ये कर्व बेसिकली गैमा टिल्डा ही है। इसके यूनिट टेंजेंट, नॉर्मल और बाई नॉर्मल को मैं कैपिटल एन से डिनोट कर देता हूं। लेट कैपिटल टी, कैपिटल एन एंड कैपिटल बी, बी यूनिट टेंजेंट, नॉर्मल एंड बाई नॉर्मल
ऑफ गैमा। प्रूव ये करना चाहते हैं कि ये जो गैमा है ये बेसिकली गैमा टिल्डा ही है। कैपिटल गैमा कर्व के टेंजेंट नॉर्मल और बाई नॉर्मल जब मैं एस नॉट पर कैलकुलेट करूँगा तो वो वही आ जाएंगे जो गैमा टिल्डा के हैं। कौन से वाले आ जाएंगे? गैमा टिल्डा वाले आ जाएंगे। ऑब्वियसली जो टेंजेंट एट एस नॉट है कैपिटल टी वाला, ये बेसिकली किसकी मदद से बनेगा? इस आइसोमेट्री की मदद से। और आइसोमेट्री की मदद से जो टेंजेंट बन रहा है कर्व गैमा का, जो टेंजेंट बन रहा है वो तो किसके इक्वल बन रहा है? टी टिल्डा एस नॉट के। क्यों भला? क्योंकि जब एम ऑपरेट होती है टी यूनिट एस नॉट पे तो वो टी टिल्डा एस नॉट के बराबर आता है। जब एम ऑपरेट होगी टी यूनिट एस नॉट पे तो इस कर्व का जो कैपिटल गैमा का टेंजेंट एट एस नॉट बनेगा वो टी टिल्डा एस नॉट बन जाएगा। इसी तरह से जो एन एट एस नॉट है वो एन टिल्डा एट एस नॉट है, और जो बाई नॉर्मल एट एस नॉट है वो बी टिल्डा एट एस नॉट है। एस नॉट के ऊपर तो इस नई कर्व कैपिटल गैमा के टेंजेंट नॉर्मल और बाई नॉर्मल वही हैं जो गैमा टिल्डा के हैं, लेकिन हम चाहते ये हैं कि हर पॉइंट के ऊपर सेम आ जाए। किस पर सेम आ जाए? हर पॉइंट पर सेम आ जाए। हम ये शो करना चाहते हैं कि n एट s, n टिल्डा एट s, t एट s, t टिल्डा एट s और कैपिटल b एट s इज इक्वल टू b टिल्डा एट s, और फॉर ऑल s के लिए ऐसा है। ये हम शो करना चाहते हैं। अगर ये टेंजेंट नॉर्मल और बाई नॉर्मल सेम हो गए तो बेसिकली कैपिटल गैमा और गैमा टिल्डा सेम हो जाएंगी, यानी एम गैमा ऑफ एस जो है वो गैमा टिल्डा के इक्वल आ जाएगा। इसके लिए कंसिडर कर लेते हैं एक फंक्शन जिसका नाम मैं ए रख रहा हूं, ए ऑफ एस। किसकी मदद से? एन और एन टिल्डा, टी और टी टिल्डा, बी और बी टिल्डा के डॉट प्रोडक्ट की मदद से। ए कंसिडर कर लिया, टी टिल्डा डॉट कैपिटल टी प्लस एन टिल्डा डॉट कैपिटल एन प्लस बी टिल्डा डॉट कैपिटल बी से ये फंक्शन मैंने ए बना लिया। मैं प्रूव ये करूँगा कि ये जो ए बनाया है हर एस के लिए इसका आंसर थ्री है, ये कांस्टेंट है। क्या प्रूव करूँगा? कि ये जो फंक्शन मैंने ए बनाया है ये फंक्शन एक कांस्टेंट फंक्शन है और इसकी वैल्यू हमेशा थ्री है। कैसे प्रूव करूंगा देखते हैं जी। मैंने ये फंक्शन बनाया है ए ऑफ एस, टी टिल्डा कैपिटल टी, एन टिल्डा कैपिटल एन, बी टिल्डा और कैपिटल बी टिल्डा के डॉट और सम लेकर। मैंने कहा मैं ये प्रूव करूंगा कि ये कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू थ्री है। उसका क्या फ़ायदा होगा? उसका फ़ायदा मैं ये उठाऊंगा कि मैं साबित कर दूंगा कि टी टिल्डा और कैपिटल टी, एन टिल्डा और कैपिटल एन, बी टिल्डा और कैपिटल बी सेम है। और अगर मैंने इनको सेम प्रूव कर दिया तो इसका मतलब है जो कैपिटल गैमा कर्व बनी है वो तो गैमा टिल्डा ही है, जब दोनों कर्व्स के हर पॉइंट के ऊपर यूनिट टेंजेंट, यूनिट प्रिंसिपल नॉर्मल और बाई नॉर्मल सेम आ रहे हैं तो कर्व्स भी सेम ही हैं। तो प्रूव ये करने लगा हूँ कि ये कांस्टेंट है और इसका आंसर थ्री है। सबसे पहले नोट ये करते हैं कि जो हमारे पास टी टिल्डा और कैपिटल टी का डॉट प्रोडक्ट है ये किसके इक्वल आएगा? ए डॉट बी का फार्मूला आपको याद है, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड दोनों के दरमियान बनने वाले एंगल का कॉस। टी टिल्डा यूनिट वेक्टर है मैग्नीट्यूड वन, कैपिटल टी यूनिट वेक्टर है मैग्नीट्यूड वन, तो ये किसके इक्वल रह गया? कॉस थीटा के। और कॉस थीटा का आंसर आपको मालूम है कितना होता है? कॉस थीटा का आंसर
मैक्सिमम वन या वन से लेस होता है, यानी मेरे पास टी टिल्डा और कैपिटल टी हमेशा लेसर इक्वल टू वन है। इसी तरह से एन टिल्डा और कैपिटल एन का डॉट प्रोडक्ट भी लेसर इक्वल टू वन है, बी टिल्डा और कैपिटल बी का डॉट प्रोडक्ट भी लेसर इक्वल टू वन है। सिमिलरली एन टिल्डा और कैपिटल एन लेसर इक्वल टू वन है, बी टिल्डा और कैपिटल बी लेसर इक्वल टू वन है। अगर ये वन से लेसर इक्वल है, यानी ये वन से लेसर इक्वल है, ये वन से लेसर इक्वल है, ये वन से लेसर इक्वल है, तो उन तीनों का सम वन प्लस वन प्लस वन क्या होगा, थ्री से लेसर इक्वल होगा। इसका मतलब होगा ए ऑफ एस वो लेसर इक्वल टू थ्री है फॉर ऑल एस। जब मैं ये कह रहा हूँ कि टी यूनिट और टी टिल्डा का डॉट प्रोडक्ट वन या वन से लेस है, वन कब होगा? एक और बात नोट करने की है, टी टिल्डा और कैपिटल टी का डॉट प्रोडक्ट वन कब होगा? कब वन होगा? जब कॉस थीटा वन हो। कॉस थीटा वन हो का मतलब है थीटा जीरो हो, दो वेक्टर्स हैं उनके दरमियान एंगल जीरो है, ये टी टिल्डा है और ये फर्ज करें कैपिटल टी है, दोनों में एंगल कितना है, जीरो है। एंगल जीरो है तो एक बात कंफर्म हो गई, दोनों की डायरेक्शन सेम है। किसी भी वेक्टर में दो बातें होती हैं, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड, और दो वेक्टर उस वक्त इक्वल होते हैं जब उनकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम हो। दोनों के दरमियान एंगल जीरो आने का मतलब है इनकी डायरेक्शन सेम हो गई। क्या इनकी मैग्नीट्यूड सेम है? जी बिल्कुल सेम है, क्योंकि दोनों यूनिट वेक्टर्स हैं। तो बेसिकली ये जो मैंने कैपिटल टी को बड़ा और टी टिल्डा को छोटा बनाया है, ऐसा नहीं है, ये एग्जैक्टली सेम है, टी टिल्डा और कैपिटल टी सेम है। इसी तरह से अगर एन टिल्डा और एन का डॉट प्रोडक्ट वन लेंगे तो इफ एंड ओनली इफ ये सेम आए, बी टिल्डा और कैपिटल बी का डॉट प्रोडक्ट वन लेंगे तो इफ एंड ओनली इफ बी टिल्डा और कैपिटल बी सेम आए। तो ये डॉट प्रोडक्ट वन से लेसर इक्वल है और वन हो सकता है अगर दोनों वेक्टर सेम हो। इस तरह से ये डॉट प्रोडक्ट वन से लेसर इक्वल है और वन होगा सिर्फ और सिर्फ कब, जब एन टिल्डा और कैपिटल एन सेम होंगे। बी टिल्डा और कैपिटल बी का डॉट प्रोडक्ट वन से लेसर इक्वल है और वन होगा इफ एंड ओनली इफ ये दोनों वेक्टर सेम होंगे। तो नतीजा ये निकला कि ए ऑफ एस थ्री भी हो सकता है, लेकिन कब, जब टी टिल्डा डॉट कैपिटल टी वन हो, बी टिल्डा डॉट कैपिटल बी वन हो, एन टिल्डा डॉट कैपिटल एन वन हो। और ये तो सिर्फ और सिर्फ किस वक्त हो सकता है, जब टी टिल्डा कैपिटल टी के इक्वल हो, बी टिल्डा कैपिटल बी के इक्वल हो, एन टिल्डा कैपिटल एन के इक्वल हो। तो हमने अभी तक ये प्रूफ किया है कि ये जो हमने नया फंक्शन ए बनाया है, इसका आंसर हमेशा थ्री या थ्री से लेस है और थ्री के इक्वल हो सकता है। कब हो सकता है? जब ये तीनों डॉट प्रोडक्ट वन आए, और ये तीनों डॉट प्रोडक्ट तो वन एक ही सूरत में आ सकते हैं जब ये तीनों वेक्टर्स आपस में सेम हो, टी टिल्डा कैपिटल टी हो, बी टिल्डा कैपिटल बी हो, एन टिल्डा कैपिटल एन हो। तो मुझे सिर्फ ये साबित करना है कि ए एस है ही थ्री। अगर ए एस थ्री हो गया तो बात ख़त्म हो जाएगी, ये तीनों वेक्टर सेम हो जाएंगे, ये तीनों वेक्टर सेम हो जाएंगे, तो ये तीनों वेक्टर्स जिन कर्व से बन रहे हैं वो कर्व सेम हो जाएंगी। तो मुझे प्रूव ये करना है कि ए ऑफ एस का आंसर है ही थ्री। वैसे तो ए ऑफ एस का आंसर हमने फ़िलहाल कहा है थ्री या थ्री से लेस है और कहा है थ्री कब होगा, लेकिन प्रूव ये करना है कि ये है ही थ्री। थ्री ही कब साबित हो सकता है? अगर ये फंक्शन कांस्टेंट हो। कोई भी फंक्शन कांस्टेंट कब होता है? जब उसका डेरिवेटिव ज़ीरो हो। इसका डेरिवेटिव लेते हैं और देखते हैं ये ज़ीरो है या नहीं। डिफ्रेंशिएट करने लगे हैं वन को विद रिस्पेक्ट टू एस, ए का डेरिवेटिव ए डॉट एस, हर टर्म में प्रोडक्ट रूल लगेगा, टी टिल्डा का डेरिवेटिव डॉट कैपिटल टी
प्लस टी टिल्डा डॉट कैपिटल टी का डेरिवेटिव प्लस सेकंड टर्म के लिए इसी तरह से एन टिल्डा का डेरिवेटिव डॉट कैपिटल एन प्लस एन टिल्डा डॉट कैपिटल एन का डेरिवेटिव प्लस लास्ट टर्म के लिए भी यही बी टिल्डा का डेरिवेटिव डॉट कैपिटल बी प्लस बी टिल्डा डॉट कैपिटल बी का डेरिवेटिव। डेरिवेटिव को ज़ीरो प्रूव करना है ताकि ए कांस्टेंट प्रूव हो सके। कैसे ज़ीरो प्रूव किया जाए, इसके लिए फ्रेनेट सीरेट फार्मूला यूज़ कर लेते हैं। टी टिल्डा का जो डेरिवेटिव है वो आ जाएगा कर्वेचर एन टिल्डा डॉट कैपिटल टी प्लस कैपिटल टी टिल्डा का डेरिवेटिव भी आ जाएगा कर्वेचर और कैपिटल एन प्लस एन टिल्डा का डेरिवेटिव फ्रेनेट सीरेट फार्मूला से किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस कर्वेचर टी टिल्डा प्लस टॉर्शन एन टिल्डा डॉट कैपिटल एन प्लस एन टिल्डा डॉट कैपिटल एन के डेरिवेटिव की जगह भी फ्रेनेट सीरेट फार्मूला से माइनस कर्वेचर टी प्लस टॉर्शन बी और प्लस बी टिल्डा का डेरिवेटिव फ्रेनेट सीरेट फार्मूला से माइनस टॉर्शन एन टिल्डा डॉट कैपिटल बी प्लस बी टिल्डा और डॉट कैपिटल बी बी के डेरिवेटिव की जगह हमारे पास आ जाएगा माइनस टॉर्शन और कैपिटल एन। मैंने फ्रेनेट सीरेट फार्मूला से डेरिवेटिव्स की जगह उनकी वैल्यूज़ लिख लीं। जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये बेसिकली कर्वेचर और एन टिल्डा डॉट कैपिटल टी प्लस यहाँ पे भी डॉट प्रोडक्ट है कर्वेचर टी टिल्डा डॉट कैपिटल एन माइनस कर्वेचर टी टिल्डा डॉट कैपिटल एन प्लस टॉर्शन एन टिल्डा डॉट कैपिटल एन माइनस कर्वेचर एन टिल्डा डॉट कैपिटल टी प्लस टॉर्शन एन टिल्डा डॉट कैपिटल बी और लास्ट वाली ये दो टर्म्स माइनस टॉर्शन एन टिल्डा डॉट कैपिटल बी माइनस टॉर्शन बी टिल्डा डॉट कैपिटल एन और ये सारी टर्म्स आपस में कैंसिल हो जाएंगी। एन टिल्डा डॉट टी प्लस की माइनस की कैंसिल हो गई। टी टिल्डा डॉट एन सेम प्लस और माइनस की कैंसिल हो गई। यहाँ टॉर्शन बी आना था फ्रेनेट सीरेट फार्मूला से, यहाँ उसी हिसाब से बी टिल्डा डॉट एन आना था, टॉर्शन बी टिल्डा डॉट एन माइनस और प्लस का कैंसिल हो गए, ये भी प्लस और माइनस का कैंसिल हो गए, ए डॉट एस किसके इक्वल आ गया ज़ीरो के। ए डॉट एस के आंसर ज़ीरो आने का मतलब है ए ऑफ एस इज़ ए कांस्टेंट फंक्शन। ये फंक्शन कांस्टेंट है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू 3 हो सकती है, 3 या 3 से लेस, और अगर 3 हुई तो फिर टी टिल्डा कैपिटल टी बी टिल्डा कैपिटल बी एन टिल्डा कैपिटल एन सेम होंगे। वैल्यू 3 या 3 से लेस हो सकती है, 3 हुई तो दोनों कर्व्स के यूनिट टेंजेंट यूनिट नॉर्मल और यूनिट बाई नॉर्मल सेम आ जाएंगे। कांस्टेंट है लेकिन है कितनी अभी तक ये नहीं हमें पता। अभी तक हमें ये पता है कि ए की वैल्यू 3 या 3 से लेस हो सकती है, 3 हो गई तो कर्व्स के टेंजेंट नॉर्मल और बाई नॉर्मल सेम आ जाएंगे,
कांस्टेंट है, लेकिन है कितनी ये नहीं पता। अगर मुझे किसी एक पॉइंट पर वैल्यू पता चल जाए तो बाकी सब पे भी वही होगी, क्योंकि फंक्शन कैसा है, कांस्टेंट फंक्शन है। किसी एक पर भी पता चल गई तो बाकी सब पर भी वही वैल्यू होगी। ए की वैल्यू एस नॉट पर कैलकुलेट करते हैं, मुझे एस नॉट पे कंफर्म लगता है कि ए की वैल्यू एस नॉट पे 3 आ जाएगी। ए जब एस नॉट पे कैलकुलेट करेंगे तो वो आएगा बाय दिस फार्मूला, टी टिल्डा एस नॉट डॉट कैपिटल टी एस नॉट प्लस एन टिल्डा एस नॉट डॉट कैपिटल एन एस नॉट प्लस बी टिल्डा एस नॉट डॉट कैपिटल बी एट एस नॉट। और याद है एस नॉट के ऊपर ये दोनों सेम हैं, यानी टी टिल्डा एस नॉट और कैपिटल एस नॉट सेम हैं, दोनों को मैं टी टिल्डा एस नॉट ही लिख सकता हूँ। एन टिल्डा एस नॉट और कैपिटल एन एस नॉट दोनों सेम हैं एस नॉट के ऊपर, तो कैपिटल एन को मैं एन टिल्डा एस नॉट ही लिख सकता हूँ। बी टिल्डा एस नॉट और कैपिटल बी एट एस नॉट सेम है, मैं इसको बी टिल्डा एस नॉट ही लिख सकता हूँ। और चूंकि ये यूनिट टेंजेंट वेक्टर्स हैं तो ए डॉट ए 1 होता है अगर यूनिट वेक्टर हो, तो टी टिल्डा डॉट एस नॉट डॉट टी टिल्डा एस नॉट 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, टोटल वैल्यू कितनी आ गई 3। ये जो ए फंक्शन है इसकी एस नॉट पे वैल्यू 3 है, और ये कांस्टेंट फंक्शन है, और कांस्टेंट है और वैल्यू 3 है, तो इसका मतलब है ए एस की वैल्यू 3 है फॉर ऑल एस। और अगर ए एस की वैल्यू 3 हो तो ये तो सिर्फ कब होगी, ये सिर्फ उस वक्त होगी जब टी टिल्डा कैपिटल टी बी टिल्डा कैपिटल बी और एन टिल्डा कैपिटल एन सेम होंगे फॉर ऑल एस। और अगर दो कर्व्स के यूनिट टेंजेंट यूनिट नॉर्मल और यूनिट बाई नॉर्मल सेम आ गए तो उसका मतलब है कर्व सेम हो गई, कैपिटल गैमा कर्व जो है वो किसके इक्वल आ गई, गैमा टिल्डा के इक्वल आ गई फॉर ऑल एस। लेकिन कैपिटल गैमा तो बेसिकली क्या थी, एम ऑफ गैमा ऑफ एस, कैपिटल गैमा की जगह मैंने एम ऑफ गैमा ऑफ एस लिख दिया, ये गैमा टिल्डा एस बन गया। हमने गैमा ऑफ एस पे एक आइसोमेट्री एम ऑपरेट की, गैमा टिल्डा एस बन गई, इसका मतलब ये दोनों कर्व्स कांगुरेंट हैं, और यही बात हम प्रूफ करना चाहते थे। हमने प्रूफ कर लिया कि अगर हम ऐसी दो कर्व्स लेते हैं जिनके कर्वेचर और टॉर्शन सेम हो तो वो दोनों कर्व्स आपस में कांगुरेंट होती हैं, आपको एक आइसोमेट्री मिल जाती है, जिस आइसोमेट्री को हमने यहाँ एम कहा है, कि एक कर्व पे वो आइसोमेट्री ऑपरेट करते हैं और दूसरी कर्व के इक्वल आ जाती है। ये था हमारे पास फंडामेंटल थ्योरम ऑफ डिफरेंशियल ज्योमेट्री फॉर स्पेस कर्व्स। क्या था जल्दी से रिव्यू कर देता हूँ। अगर आपको एक स्मूथ फंक्शन कैपा गिवन हो जो पॉजिटिव हो और एक स्मूथ फंक्शन टा गिवन हो, तो आप एक ऐसी कर्व मालूम कर सकते हैं जिस कर्व का कर्वेचर वो कैपा और जिस कर्व का टॉर्शन वो टा हो, एक हिस्सा। दूसरा हिस्सा ये कि अगर इस तरह की कर्व्स डिफरेंट मालूम कर ली जाएं, हमने एक मेथड से वो कर्व मालूम की थी, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि उसी मेथड से वो कर्व मालूम की जाए, अगर किसी और डिफरेंट मेथड से कोई दूसरा शख्स भी कोई ऐसी कर्व मालूम कर ले जिसका कर्वेचर और टॉर्शन वही गिवन फंक्शंस हों, तो ऐसी सूरत में हर वो दो कर्व्स आपस में कांगुरेंट होती हैं, यानी आपको आर क्यूब की एक आइसोमेट्री मिल जाती है कि एक कर्व पे वो आइसोमेट्री ऑपरेट करें और दूसरी कर्व के इक्वल आ जाए। आइंदा से याद रखना है इस थ्योरम को, हम इसका यूज़ भी करेंगे जब भी हमें कोई गिवन स्मूथ फंक्शन कैपा और गिवन स्मूथ फंक्शन टा हो और कैपा हमेशा ग्रेटर देन 0 हो, तो हम कर्व मालूम कर सकते हैं जिस कर्व का कर्वेचर वो गिवन फंक्शन कैपा और जिस कर्व का टॉर्शन वो गिवन फंक्शन टा होगा, और ऐसी कर्व्स यूनिक होंगी अप टू कांगुरेंसी ऑफ कर्व्स। यानी अगर कोई दो कर्व्स ऐसी मिल जाएंगी वो तो वो दोनों कर्व्स आपस में कांगुरेंट होंगी।